हेलो दोस्तों, मेल हो या फीमेल, छोटा हो या बड़ा, हर इंसान को अपनी लाइफ में कभी ना कभी मेडिकल ट्रीटमेंट में इंजेक्शन लगवाने ही पड़ते हैं, क्योंकि ओरल के कंपेयर फ्लूइड मेडिसिन हमारी बॉडी में जल्दी फैल जाती है और हमें फास्ट रिलीफ पहुंचाती है। दोस्तों, अक्सर आपने अखबारों या न्यूज में कभी ना कभी ऐसा पढ़ा ही होगा या देखा होगा कि गलत इंजेक्शन या मेडिसिन के कारण कभी कभी बड़े गंभीर हादसे हो जाते हैं और इसका खामियाजा पेशेंट को अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। मेडिकल साइंस में इंजेक्शन के जरिए बॉडी में दवा इंजेक्ट करना भी एक खास किस्म की कला होती है, जो मेडिकल प्रोफेशन में बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जिसको सीखने में मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा हर व्यक्ति काफी ज्यादा प्रैक्टिस करता है। इमेजिन कीजिए, अगर किसी इंसान को खाली यानी हवा से भरा इंजेक्शन लगा दिया जाए तो क्या होगा, क्या इससे किसी की डेथ हो सकती है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिंपली अमेजिंग वर्ल्ड चैनल पर। दोस्तों, बीमार होने पर डॉक्टर जब हमें इंजेक्शन लगाता है तो आमतौर पर कंधे या कूल्हे पर ही इंजेक्शन लगाया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्या आप जानते हैं? क्योंकि यहाँ से इंजेक्ट की गई मेडिसिन आसानी से पूरे शरीर में फैल जाती है। बेसिकली टीके के लिए डेल्टाइन मांसपेशी सबसे ज्यादा आम साइट होती है। ये मांसपेशी हमारे कंधे के अपर साइड में होती है, जिसके जरिए हमारे शरीर में 1 मिलीमीटर या उससे कम दवा इंजेक्ट की जा सकती है। इससे ज्यादा ड्रिप को अगर बॉडी में डालना है तो उसके लिए हमारा कूला यानी बट को बिल्कुल सही माना जाता है। और अगर उससे भी ज्यादा क्वांटिटी में जैसे ग्लूकोज ड्रिप आदि के लिए अगर बात की जाए तो हमारे हाथ को उपयुक्त माना जाता है। आमतौर पर पेशेंट को इंजेक्शन देने से पहले ही डॉक्टर इंजेक्शन में एयर बबल्स को चेक कर लेता है। लेकिन अगर बहुत कम एयर स्मॉल बबल्स के रूप में हमारी बॉडी में इंजेक्ट भी कर दी जाए तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो इंसान मर ही जाएगा, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। एग्जैक्टली क्या होता है कि जब किसी इंसान को ऐसा इंजेक्शन लगाया जाता है जिसमें बहुत कम मात्रा में एयर बबल्स हो, तो ऐसे में बॉडी का ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर थोड़ी ज्यादा मात्रा में हवा हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दी जाए तो यह हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है, और ज्यादा मात्रा में हवा चली जाए तो उसमें इंसान की मौत भी हो सकती है। इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है दोस्तों, उसको एयर एम्बोलिज्म कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल से इसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि एक बिजी हाईवे है जहाँ ट्रैफिक लगातार चल रहा है। इतने में इस हाईवे पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से रोड जाम हो जाता है और ट्रैफिक मूव नहीं कर पाता और सब रुक जाता है। कुछ ऐसा ही होता है हमारी नसों के अंदर भी। यहाँ जो हाईवे है वो हमारी ब्लड मसल्स हैं और ट्रैफिक इन मसल्स में चलने वाले हमारे ब्लड सेल्स हैं। अगर इन मसल्स में एयर बबल्स आ जाता है तो हमारी मसल्स में ब्लड ब्लॉक हो जाता है। लेकिन अगर एयर बबल्स छोटा हुआ तो इसका इफेक्ट वैसा ही होगा जैसे कोई बाइक का एक्सीडेंट हो और ट्रैफिक यानी हमारे ब्लड सेल इसको साइड से मूव करके निकल जाएंगे। लेकिन अगर कोई बड़ा बबल यानी कि ट्रक का एक्सीडेंट होता है तो हाईवे पूरी तरह से जाम हो जाएगा, यानी ब्लड अब वहीं रुक जाएगा और वो मसल चोक हो जाएगी और अब ब्लड सेल मूव ही नहीं कर पाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि इस प्रॉब्लम यानी एयर एम्बोलिज्म से हमारी बॉडी पर क्या असर होगा। मेनली दोस्तों, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि बबल्स किस मसल्स में है और ये मसल्स किससे कनेक्ट है। अगर ये मसल्स आपके लंग्स से कनेक्ट हुई तो आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी और आपके लंग भी बंद पड़ सकते हैं। और अगर ये मसल्स हार्ट या ब्रेन से जुड़ी हुई तो हो सकता है आपको हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, इवन लकवा जैसी गंभीर बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है, जिसमें किसी की भी आसानी से मौत हो सकती है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हर इंसान की हर सिचुएशन में डेथ ही हो जाएगी। यह टोटली सिचुएशन और लोकेशन पे डिपेंड करता है कि कौन सी ब्लड मसल्स में एयर बबल्स कैसे और कितनी मात्रा में आ गए हैं। रही बात पूरा खाली इंजेक्शन इंजेक्ट करने की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि उस व्यक्ति की तत्काल ही मौत हो जाएगी। अब तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि हमारे शरीर के लिए हवा के कुछ बुलबुले भी कितने घातक साबित हो सकते हैं।
तो दोस्तों, अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको आई हो पसंद, तो जरूर कर दीजिएगा वीडियो को लाइक। और इसी तरह की रोमांचक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर दबा देना दोस्तों, इससे आपको हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।